बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में बनी नेचर सफारी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। राजगीर में 8-सीटर रोपवे और नेचर सफारी पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसके उद्घाटन हो जाने से अब राजगीर में पर्यटकों का गर्मी के मौसम में भी लगातार आना जाना लगा रहेगा। नेचर सफारी में बने ग्लास स्काई वॉक और सस्पेंशन ब्रिज राजगीर आने वाले सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। उद्घाटन के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए नेचर सफारी के पीछे की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि यहां पर जू सफारी का निर्माण कराएंगे और इसमें 5 प्रकार के जानवर रहेंगे और जो खुले में घूमेंगे। जब जू सफारी बन रही थी तब मन में एक ख्याल आया कि यह इतनी सुंदर जगह है तो यहां नेचर सफारी बनानी चाहिए, लेकिन जू सफारी के पास से नेचर सफारी नहीं बन सकती थी तो इस जगह का चयन किया गया और 3 साल में नेचर सफारी बन गई है। उन्होंने कहा कि नेचर सफारी में ग्लास स्काई वॉक यानी शीशे का पुल का पिछली बार आकर निरीक्षण किया था। ग्लास स्काई वॉक की पूरे देश में चर्चा हुई थी। नीतीश ने कहा कि सुरक्षा के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। यहां जो भी पर्यटक आएंगे उनके घूमने के लिए साइकिल का इंतजाम किया जाएगा। पूरा एरिया करीब 8 किलोमीटर का है। ऐसे में जो पैदल घूमना चाहें तो पैदल घूम सकते हैं और जो साइकिल से घूमना चाहें वो साइकिल से। यहां आने वालों के लिए खाने का भी इंतजाम किया जाएगा। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वेणु वन का काम पूरा हो गया है, कुछ काम बचा है वो चल रहा होगा। इस दौरान सीएम नीतीश से सवाल किया गया कि क्या इसे मेट्रो से जोड़ा जाएगा। इस पर नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यहां मेट्रो से जोड़ने का क्या काम, यहां के रेलवे का, राजगीर का, गया के बारे में बहुत पहले ही बात की हुई है। नेचर सफारी का आज उद्घाटन हो गया और नेचर सफारी का जो निर्माण किया गया है तो इसकी कहानी आप सब लोगों को मालूम होगा कि जब यहाँ पर जू सफारी के बारे में हम लोगों के मन में विचार आया कि नए सिरे से हम लोग जू सफारी का निर्माण कराएंगे और जू सफारी में 5 प्रकार के जानवर रहेंगे और जानवर खुलेआम घूमता है और जो लोग देखने जाते हैं जू सफारी की ही खासियत है, उनको कोई ना कोई व्हीकिल पर, बंद व्हीकिल पर उनको जा करके बैठ करके देखना पड़ता है और जो भी वहाँ पर जानवर रहेगा वो खुलेआम उसका पूरा का पूरा इलाका रहता है और उसको देखने के लिए जाते हैं। तो ये कंसेप्ट था, उसके हिसाब से काम निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो जब इसका शिलान्यास हो गया और उसको फिर देखने के लिए हम आए, जब सब कुछ देखा उसके बाद मेरे मन में ये विचार आया कि साहब जब ये बन रहा है जू सफारी, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल जगह है और आप जानते हैं राजगीर के बारे में कि पंच पहाड़ी का है और इसी के बीच में कभी पहले जो ये हुआ करता था मगध की राजधानी, आज से नहीं हजारों साल पहले, तो उस समय का जो एक कंसेप्ट था और धीरे धीरे बाद में जब आग लगते गई तो सब मकान को शिफ्ट किया, वो एक अलग बात है, बात की बात है। लेकिन मेरे मन में ये बात आई कि जब इतना ये ऐतिहासिक जगह है और इतना ये नेचुरल है, प्राकृतिक जगह है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को एक नेचर सफारी भी बनाना चाहिए। और उसमें जब हमने कहा कि जू सफारी के बगल से ही शुरू हो, लेकिन बाद में पता चला कि साहब जू सफारी के तुरंत बाद तो नहीं बन सकता है, लेकिन उसके आगे जा करके इसको करने का ये स्थल का चयन किया गया स्थल का, और उस स्थल का चयन करने के बाद पिछले 3 वर्षों के अंदर ये सारा काम हुआ, इसका पूरा एक योजना बनाई गई और क्या क्या चीज़ बनेगा इसके बारे में लोगों ने सोचा, हम लोग निरंतर चर्चा करते थे। और अभी आप जानते हैं कि 2-2.5 महीना पहले हम आकर के जो जो चीज़ बना था उसको देखने आए, ये भी पूरे तौर पर नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो आप जानते हैं कि ग्लास स्काई वॉक, तो जब ग्लास स्काई वॉक को देखने आए तो लोगों को कितना आश्चर्य हुआ है। और उस ग्लास स्काई वॉक को देखने और उस समय हमने सुझाव दिया कि इसको बिल्कुल ही इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, इसको सुरक्षित करना पड़ेगा और फिर एक संख्या निर्धारित करनी पड़ेगी कि एक साथ कितने लोग अंदर जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। और चूंकि यहाँ पर इस तरह का एक नेचर सफारी का निर्माण किया जा रहा तो फिर बड़ी संख्या में नई पीढ़ी के आएंगे, बच्चे बच्चियाँ आएंगे, वो देखने के लिए बहुत अच्छी जगह होगी। तो फिर उनके सुरक्षा का भी प्रबंध होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे खुशी में घूम रहे हैं, बच्चियां घूम रही हैं और कहीं से कोई इधर उधर करने के मूड में कोई रहे,
तो इसके लिए सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था, उसका भी निर्माण उसी समय हमारे मन में ये बात आई और हमने कहा तो अब तो पूरा का पूरा उसके लिए सुरक्षा का इंतजाम दोनों साइड से, एक तो इसमें इंटर करेंगे इधर से और उस साइड, तो हर प्रकार से दोनों तरफ से इसका भी इसके बारे में भी बना दिया गया है तो होगा, ताकि सब लोग सुरक्षित रहें और दिन भर ये खुला रहेगा और दिन भर लोग आएंगे और एक एक तरह का प्रबंध किया गया कि जो भी इंटर करेंगे उनको एक टिकट लेना पड़ेगा, टिकट लेकर के वो घूमेंगे चारों तरफ और फिर लौट करके जाएंगे तो उनको उनका तस्वीर दिया जाएगा कि आप भाई घूमे हैं तो आपकी ये तस्वीर है, तो ये सब काम जो किया जाएगा यहाँ के बारे में। तो एक तो सबसे पहले जो बना आपको सबको मालूम है ग्लास स्काई वॉक, और फिर उसके बगल में ही है सस्पेंशन ब्रिज, अब सस्पेंशन ब्रिज पर भी जा सकते हैं और स्काई वॉक पर तो एक एक सीमा है कि उसके अंदर तक जा करके उसको देख सकते हैं, और जो ग्लास स्काई वॉक बना तो इसका एकदम इस देश में पहला है, उस समय भ्रम हुआ कि दूसरा है, ऐसा नहीं है, ये पहला है, तो एक सब जगह इसको लेकर के चर्चा हुई और लोगों को खुशी हुआ। उसी समय जब आप सब लोगों ने इसको देख करके इसको प्रसारित किया, इसकी खबर छपी, तो कितनी संख्या में लोग अगले दिन से आ करके युवक लोग और सब लोग घूमना चाहते थे, तो उनको समझाया गया कि अभी भाई पूरे तौर पर निर्मित हो जाएगा, सब इंतजाम हो जाएगा, तब आइएगा, अभी तो बीच में, तो अब हो गया है मई महीने में सब तरह से इंतजाम करके एक एक चीज़ का सुरक्षा का सब इंतजाम कर लिया गया, और उसके बगल में सस्पेंशन ब्रिज का भी हो गया है, और फिर जिप लाइन आप सब जानते हैं एक छोर से दूसरे छोर तक और लौट आएंगे, जिसको कि दिख रहे हैं यहीं पर से दिख रहा, यहीं पर से दिख रहा है, एक तरफ से जाएगा दूसरे तरफ से आएगा, वहाँ से जाएगा इधर आ जाएगा, तो इस तरह से सबका इंतजाम किया गया है। और फिर जो किया गया है जिप लाइन साइकिल, जो इस कंसेप्ट के अंतर में भी बनाया गया है नेचर कैंप एरिया, तो इस एरिया में ही उसका भी इंतजाम किया गया, तो हर तरह से किया गया, और यहाँ पर देख रहे हैं खेलने के लिए हर तरह से नई पीढ़ी के लोगों के लिए इंतजाम किया गया कि पूरे तौर पर देखेंगे, और जो लोग भी विजिटर होंगे उनको खाने की इच्छा होगी उसका भी सारा इंतजाम सब किया गया है, तो आप देख लीजिए कि कितना बढ़िया, और इसको लेकर के लोग चाहेंगे तो पैदल भी घूमेंगे, और दूसरा कुल मिला करके पूरा एरिया लगभग 8 किलोमीटर का हो जाता है, तो अगर कोई पैदल चलना चाहेगा तो पैदल भी चल सकेगा, नहीं तो उनके लिए साइकिल का भी प्रबंध किया जाएगा, उस साइकिल पर भी चारों तरफ घूम सकते हैं, तो बहुत अच्छे ढंग से बन गया है। तो मुझे तो भाई बहुत खुशी हो रही है कि भी जो नेचर सफारी है, और अपने आप में उसी दिन हमारे मन में ये बात आई कि इसका नामकरण नेचर सफारी हो, अब और भी किन्हीं महापुरुष के नाम से नामकरण होगा वो एक अलग बात है, लेकिन मुख्यतः ये नेचर सफारी है, और इसको लोग जो देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नेचर के बारे में लोगों को मालूम होगा, पर्यावरण के प्रति उनकी जागृति होगी नई पीढ़ी के लोगों को, और देखिए कि जहाँ कहीं भी कुछ खाली जगह सब जगह वृक्षारोपण किया गया, और पहले जानते ही जब हम 2009 में आकर के 7 दिन हम यहाँ रुके थे और एक एक चीज को, तो कई जगह पर ये सूखा हुआ था, इस तरफ तो खैर था लेकिन एक तरफ सूखा हुआ था पर्वत में, तो सब जगह पेड़ और लगवाया गया, अभी देखिए किस तरह से वृक्षारोपण हुआ, हर एक चीज़ से सारा इंतजाम किया गया, तो हर तरह से यहाँ पर किया गया है, अनेक चीज़ों का निर्माण किया गया है, आप सब लोग सबको मालूम ही है कि कितना ज़्यादा वहाँ पर जो बन गया, अरे जो पहले जिसमें जो जाते हैं हम लोगों को जाना पड़ता है घोड़ा कटोरा, तो घोड़ा कटोरा को भी जो देखा था, तो घोड़ा कटोरा कितना उपयोगी जगह है, अब घोड़ा कटोरा का भी विस्तार कर दिया गया, भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी है वहाँ, कैसा सुंदर प्रतिमा लगी है उतनी ऊंचाई पर, उसके बीच में घोड़ा कटोरा का जो तालाब है उसके बीच में बना है, और किस तरह से वो भी, और वहाँ पर भी पार्क की व्यवस्था की गई, उसका भी उद्घाटन हो चुका है, तो हर प्रकार से हर तरह की चीज़ों का ख्याल रखा गया है, और उसके बारे में जान रहे हैं कि कोई गाड़ी लेकर के नहीं आ सकता, उसके लिए हम लोगों ने इंतजाम कर दिया गया, तो हर तरह से, और जो लोग भी पहले चलाते थे हाँ टांगा, तो उन सब लोगों को भी दिया गया है, ताकि सब लोग उधर से इधर आकर के देखेंगे, और अब देखिए कि कितने लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो हर प्रकार का काम जो किया गया है यहाँ पर, और बहुत जल्दी अब इसकी उम्मीद है कि जू सफारी का भी सब काम होगा, अब जानवरों को आने का शुरू हो गया है सिलसिला, अब वो सब
कर लेंगे। और हमारा तो सुझाव यही है कि पहले जितने जानवरों को रखना है सब पहले से आ जाए, यहाँ अभ्यस्त हो जाए, उसको कोई तकलीफ नहीं हो। कहीं कोई नई जगह पर जाएगा तो उसको तो दिक्कत होगी। शेर है, बाघ है, सब तरह की चीज़ें हैं यहाँ, तो सब लोग यहाँ आ जाएंगे। और शुरुआती तौर पर जो बिल्डिंग बन रहा है वो बिल्डिंग का भी जब निर्माण कार्य पूरा हो गया, एक एक चीज़ का संरक्षण कर लिया जाएगा, उसके बाद उसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा, तो ये तो चीज़ होगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि जू सफारी का काम पहले शुरू हुआ और उसी समय ये बात आई कि नेचर सफारी बने, और नेचर सफारी बन करके निर्मित हो गया है। आप सब लोग भी पूरे तौर पर देख लीजिए और एक एक चीज़ को ये दिखला रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को जानिए और ये सब लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी मिलनी चाहिए कि नाम है नेचर सफारी और है ये नेचुरल, और किस तरह से पर्यावरण के प्रति लोगों को जागृति लाने के लिए। और अब जानते हैं कि बिहार में हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान चला करके इतना कॉन्शसनेस ला रहे हैं पर्यावरण के प्रति लोगों के मन में, और कितनी लोगों की भागीदारी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अनेक जगहों पर इस तरह का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो काम किया गया इसके लिए मैं वन एवं पर्यावरण विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ कि इस काम को शुरू कर लिया। और आज आप देख रहे हैं हमारे सामने माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, इस जिले के रहने वाले हैं और मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, सब लोग हैं, यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के माननीय विधायक हैं, बिहार शरीफ के विधायक हैं, सब लोग हैं यहाँ पर, अन्य सभी और जनप्रतिनिधि लोग हैं। मैं सब लोगों का यहाँ पर इसके लिए स्वागत करता हूँ, और आप सब लोग जो आए हैं वो सबको मैं करता हूँ। और आप जानते हैं ये कह रहे हैं वेणुवन, तो वेणुवन का तो बंद है सर, रिकॉर्ड घूर के जाता है, वेणुवन को बंद है सर, चालू नहीं किया गया। मॉर्निंग वॉक मीटिंग वगैरह पब्लिक के द्वारा सुबह घूमने के लिए कर रहे हैं, कर दे सुरक्षा काम चल रहा है, ट्रेन के माध्यम से नालंदा को मेट्रो से जोड़ा जाएगा क्या? मेट्रो से जोड़ने का यहाँ क्या मतलब, यहाँ के रेलवे का, राजगीर का, गया का, इन सब लोगों के लिए हम बहुत बात पहले हम लोग किए हुए हैं। सर पर्यटन को लेकर आने वाले समय में सर भविष्य में कोई और बड़ी योजना बिहार में पर्यटन को लेकर? पर्यटन को लेकर तो हम लोग आप जानते हैं इतना अच्छा काम और कितना ज्यादा पर्यटकों की संख्या, अभी मान लीजिए कि एक साल से जो ये कोरोना का संकट आया है वो तो एक अलग बात है, उसमें बड़ी भारी संख्या में तो लोगों का मूवमेंट भी उचित नहीं है और कई जगहों पर फिर बढ़ रहा है, अपने आप थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो अभी तो कॉन्शस रहने की जरूरत है। लेकिन ये सब दिन के लिए थोड़ी है कि वो रहेगा, तो उसके बाद जब मुक्ति मिलेगी तो सारे जगहों पर आप देख लीजिए पर्यटकों की संख्या तो बढ़ गई, पूरे देश के कितने पर्यटक आ रहे हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक विजिट करते हैं, और उसके अलावे विदेश के पर्यटक मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा विदेश के पर्यटक आते हैं, और सबसे ज़्यादा जाते हैं कि आप जानते हैं विदेश से आते हैं तो बोधगया है, गया है, राजगीर है, अब किस तरह से वैशाली का हम लोग सब काम कर रहे हैं, हम लोग एक एक जगह की चीज़ों को देख रहे हैं ताकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो भी स्थल हो, और आप जान रहे हैं कि नेचुरल वे में सब काम को करने के लिए इको टूरिज्म को हम लोगों ने किस तरह से बढ़ावा दिया है, ये इको टूरिज्म का ही पार्ट है, ये जो नेचर सफारी है ये इको टूरिज्म का पार्ट है। अब उसी तरह से, और ये सब वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ रहेगा, जो इको टूरिज्म है वो हम लोगों ने पहले से तय कर दिया है कि वो दूसरे विभाग से नहीं, चूंकि इको टूरिज्म है ये काम वन एवं पर्यावरण विभाग को ही करना पड़ेगा, और वन एवं पर्यावरण विभाग अपने अधीन एक इस तरह का विंग बना रहे हैं ताकि वो हर जगह करे। आप जानते हैं कि जो भी काम वहाँ किया गया है वाल्मीकि नगर का, किस तरह से शुरुआत वहाँ से हम लोगों ने किया है, अब जाकर के उसको भी देखिए, अनेक जगहों पर इस तरह से इको टूरिज्म को हम लोग बढ़ावा देंगे, और यहाँ पर भी इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, पटना में भी इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, गया, बोधगया में, वैशाली में, अनेक जगहों पर, और कितने इको टूरिज्म का है, अभी आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में 2 जगहों पर जो चीज़ें निकली हैं पुरानी चीज़ ऐतिहासिक, चाहे एक भागलपुर में और दूसरा एक बांका, तो सब तरह की चीज़ों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल रही है और उसके बारे में हम लोग उसका विकास कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि इसका इतिहास बहुत ही पौराणिक है, और जो बिहार पूरा का पूरा इलाका है उसका जो इतना बड़ा पुराना इतिहास है, पौराणिक इतिहास है, इतना सब कुछ है कि यहाँ पर पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को इसके प्रति सजग रखने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं और ये सब काम होगा।
तो अब तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कई चीज़ें कर दी गई हैं। अब एक सिर्फ जू सफारी है, वो भी बहुत जल्दी कुछ महीने के अंदर पूरा हो जाएगा और हर तरह से होगा। और आज आप जान रहे हैं कि राजगीर का एक फ्लाईओवर का भी काम किया जाएगा। जी जी, वो जो NH है, जो 4 लेन सब कुछ हो रहा है, तो उसके फ्लाईओवर के लिए भी आज ही पथ निर्माण हमने पहले से सुझाव दिया था। तो एक फ्लाईओवर बनेगा उस रास्ते से गुजरते हुए और राजगीर का जो मुख्य शहर है उसके होते हुए फिर जाएगा। तो आप जानते हैं कि जब फ्लाईओवर बन जाएगा तो किस तरह से लोग जो देखेंगे दृश्य, क्या टूरिज्म का उसमें भी आ जाएगा, कैसी भावना आ जाएगी। तो हम लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान देते रहते हैं। तो आप लोग भी आज आ गए यहाँ के, तो भाई पटना से भी पत्रकार आए हैं। वैसे तो हमारे जो यहाँ के स्थानीय हैं और सब लोगों को यहाँ मालूम है, दूरी के एक एक जब जब आए हैं। और जब 2009 में हम लोग 7 दिन रहे हैं, इसमें से अनेक लोग मेरे साथ घूमते रहे, इन लोगों को पता है कि इस रास्ते पर आए तो कहाँ पर आकर के रुकना पड़ा। तो एक एक चीज को लोग जानते हैं यहाँ कि कैसे धीरे धीरे आगे यहाँ पर बढ़ा है। और अब देखिए क्या सुंदर दृश्य होता चला जा रहा है। जगहों पर नई पीढ़ी के लोग ज्यादा जाएंगे, बच्चे जाएंगे ना, बच्चियां जाएंगी ना, तो ज्यादा अच्छा होगा। बुजुर्ग लोगों को भी जाने का मतलब होगा तो जाएगा। तो देखना था हम लोग, देख हम तो चाहेंगे कि नई पीढ़ी के लोग और यंगर लोग ज्यादा उसको घूमेंगे। और जो यंगर लोग घूमेंगे और सब चीज को देखेंगे, तो भाई अब पुराने लोगों को तो कुछ पुराना इतिहास मालूम है, अब नई पीढ़ी के लोग जो पूरे इतिहास को जानेंगे तो उनके मन में बहुत अच्छी भावना पैदा होगी। तो हमारी तो राय यही होगी। नहीं, ऐसे तो अब ये नहीं कहा जाएगा कि जो लोग जाना चाहेंगे उनको रोक लेंगे, लेकिन प्रोत्साहित किया जाएगा बच्चों के लिए। तो आप काफी देख लीजिए यहाँ पर है।